हे व्यूअर्स, आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हम फ्रिज को चेक कर सकते हैं। तो इन क्लाइंट्स की ये कंप्लेन थी कि फ्रिज जो है ऊपर से तो कूलिंग कर रहा है लेकिन नीचे से कूलिंग नहीं कर रहा। तो अगर आपको ऐसा कोई फ्रिज का कोई प्रॉब्लम पेश आए तो आप इसे किस तरह से चेक कर सकते हैं, ये देखें। वैसे तो इसके और तरीक़ेकार भी होते हैं लेकिन हम इसे जो है ना फिज़िकली इस तरह से चेक कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर ऑयल आया हुआ है। देखें, ये मेरा ये हाथ देखें, ये बिल्कुल वाइट है। अब ये देखें, जैसे मैं इस पर लेके जाऊँगा तो ये देखें, ये ब्लैक हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से ये लीकेज है। तो ये हमारी फील्ड का एक थंब रूल है, तो ये यहाँ से भी लीक है। तो इस तरह से ये जहाँ से ये देखें, ये लीक नहीं है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ड्राई है। ये देखें, देख रहे हैं, ये मेरा फिंगर जैसे जा रही है वैसे वापस आ रही है, देखें। और ये अगर मैं यहाँ पर लेके जाता हूँ तो ये देखें, ये देखें, देखें आप। तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका फ्रिज लीक है या नहीं है। तो यहाँ पे मैं लेके जा रहा हूँ तो देखिए ये नहीं हो रहा। इसी तरह से आप सारे जॉइंट्स फिज़िकली आप चेक कर सकते हैं। ऐसे जिस जगह पे आपका हाथ काला हो जाए, ब्लैक हो जाए, तो ये मीन कि ये यहाँ से लीकेज है। और ये इसका कंप्रेसर है, पैनासोनिक 1.5 का इसका साइज़ है। तो ये इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि लीकेज का प्रॉब्लम है या नहीं।